रायसेन की प्रसिद्ध बाबा पीर फतेह उल्ला शाह साहब की दरगाह पर 3 दिनी उर्स मेला शाम को प्रशासन की ओर रायसेन कलेक्टर एस प्रिया मिश्रा, एसपी जगत सिंह राजपूत एवं एसडीएम संजय उपाध्याय द्वारा चादर चढ़ाया जाकर शुरू किया गया। कौमी एकता के प्रतीक के रूप में मानी जाती है रायसेन की दरगाह। अजमेर शरीफ के मुइनुद्दीन चिश्ती के भांजे हैं बाबा पीर फतेह उल्ला शाह साहब। प्रत्येक वर्ष आयोजित होता है ये उर्स मेला। देश विदेश से आते हैं यहाँ हजारों श्रद्धालु। रायसेन जिले के प्रसिद्ध पीर फतेह उल्ला शाह की दरगाह पर बड़े धार्मिक पर्यटन का केंद्र बन गई है। रायसेन दरगाह पर सभी धर्मों के लोग अपनी मन्नतें मांगने आते हैं। यह दरगाह करीब 800 साल पुरानी है। दरगाह पर प्रतिवर्ष उर्स का आयोजन भी किया जाता है। दरगाह पर दूर दूर से कई शहरों के लोग अपनी मन्नत मांगने आते हैं और जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो वे शुक्राना के तौर पर बाद में चादर चढ़ाने आते हैं। यह दरगाह हिंदू मुस्लिम एकता की भी मिसाल है क्योंकि यहाँ धार्मिक भेदभाव के बिना एक साथ लोग आते हैं। यहाँ आने वाले लोगों का कहना है कि यहाँ आने पर उनकी सभी मुरादें पूरी होती हैं। हजरत पीर फतेहुल्ला शाह बाबा की दरगाह रायसेन में ही नहीं पूरे देश में भी प्रसिद्ध है और यह अपनी पवित्रता के लिए मानी जाती है। यहाँ पर इस पवित्र मुस्लिम संत हजरत पीर फतेहुल्ला शाह बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए रोज भारी भीड़ उमड़ती है। ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र स्थान पर भक्तों द्वारा पूरे विश्वास एवं ईमानदारी के साथ जो इच्छाएं की जाती हैं, उनकी ये इच्छाएं पूर्ण होती हैं और लोगों के जीवन में अच्छी चीजों का आशीर्वाद मिलता है। सभी धर्मों के लोगों को बिना किसी भेदभाव के हजरत पीर फतेहुल्ला शाह बाबा आने की अनुमति देते हैं और यही कारण है कि इस स्थान पर भारत की धार्मिक एकता प्रदर्शित करने के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल के रूप में जाना जाता है। दिन प्रतिदिन यहाँ पर सैकड़ों श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पर सालाना उर्स भी भर जाता है जिसे देश भर के हजारों की तादाद में श्रद्धालु भाग लेते हैं। आगाज हो गया है जो नवाबी शासन से जो प्रशासन की जो इफ्तिता रही है इसमें हमारे कलेक्टर और एसपी महोदय यहाँ मौजूद हैं और जिन्होंने चादर चढ़ाकर और उसका इफ्तिता किया है और तमाम प्रशासनिक तौर पर जो इंतजाम किए जाते हैं वो मुस्तकिल पूरे कर लिए गए हैं और दो रोज से एसडीएम साहब की टीम जो लगी हुई थी उसमें सारे इंतजाम हमने पूरे कर लिए हैं और अभी बाद नमाज इशा के नातिया तकरीर के साथ इसका इफ्तिता शुरू हो जाएगा। साल की वार्षिक उर्स के पर्व पर प्रशासनिक जो व्यवस्था है उसके परंपरा के अनुसार हम और एसपी साहब और सारे अधिकारी मिल के चादर चढ़ाने वाले जो परंपरा है उसको निभाने आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है हमको। 3 दिन का पर्व अभी चालू होगा और जो भी व्यवस्था है प्रशासनिक हम कर रहे हैं हमारे तरफ से।